और बिहार की राजधानी पटना से आपको बताते हैं, जहां पर आग का तांडव देखने को मिला है। यहां पर आग ने एक गोदाम को पूरी तरह से अपनी चपेट में ले ली और देखते ही देखते आग पूरे इलाके में फैल गई। फिर क्या हुआ दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट। बिहार के पटना में बड़ा अग्निकांड हो गया। यहाँ सिटी के बाईपास थाना के इंद्रलोक नगर में एक गोदाम में अचानक आग लग गई। धीरे धीरे आग की लपटों ने पूरे गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया। पूरा गोदाम धो धो कर जलने लगा। आग लगने की सूचना मिलते ही पूरे इलाके में भगदड़ मच गई। आग लगने के बाद लोग अपने अपने घरों से निकलकर अपने अपने सामान को बचाने में जुट गए। आसपास के लोगों ने इसकी सूचना बाईपास थाना के साथ साथ फायर ब्रिगेड गाड़ी को दी। घटना की सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की लगभग 24 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने के काम में जुट गई। आग इतनी तेज थी कि पास जाकर आग को बुझाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। लोग अपने अपने घरों से आग को बुझाने के लिए पाइप लगाकर पानी की बौछार करने लगे, मगर देखते ही देखते आग ने पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। कई घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग की वजह से लाखों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। आग लगने की वजह अभी साफ नहीं है।